आज हम बनाएंगे व्रत में खाई जाने वाली आलू की सब्जी की रेसिपी। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, खाने में भी बहुत अमेजिंग लगती है। एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये काफी पसंद आएगी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा और आप सभी का रेसिपी अड्डा बाय मेघा पर स्वागत है। तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट से आज की रेसिपी को देख लेते हैं। व्रत वाली आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 60 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। अगर वेट में देखें तो ये 500 ग्राम्स हैं, मतलब आधा केजी। तो यहाँ पर मैं आलू को उबाल के यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सभी आलू को छील लेंगे। तो वैसे मैं इस सब्जी को व्रत के लिए बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे रोटी पूरी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे आलू छील लिए हैं। अब हम इन सभी आलू के पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक आलू के 12 पीस कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आलू को जैसे भी काटना चाहें, छोटे पीसेस में, बड़े पीसेस में, वैसे काट लें। इस सब्जी की प्रिपरेशन में 15 मिनट लगते हैं और बनाने में 5 मिनट। तो अगर बात करें टोटल टाइम की तो 20 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे आलू काट लिए हैं। तो अब हम इनमें तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए अब हम एक पैन में लगभग 3 टेबलस्पून के जितना कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अगर आप व्रत में ऑयल नहीं खाते हैं तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे एक सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून खड़ा धनिया, होल कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून जीरा क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून सौंफ फेनल सीड्स। अगर आप व्रत में सौंफ नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें। तो अब हम इन सभी खड़े मसालों को अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग एसाफोएटिडा, अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून इस तरह से बारीक कटा हुआ अदरक। अगर आप व्रत में अदरक नहीं खाते हैं तो इसे भी स्किप कर दें। 3 से 4 इस तरह से रफली कटी हुई हरी मिर्च, 7 से 8 कड़ी पत्ते, करी लीव्स, अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदरक और हरी मिर्च काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे पीसेस में कट करके, उनको ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो क्योंकि मैं उबले हुए आलू यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको पका लेंगे। बट अगर आप कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करें कि जो कच्चे आलू हैं उनको पहले अच्छे से पका लें, सॉफ्ट होने दें पूरी तरह से, उसके बाद में सूखे मसाले ऐड करें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स की प्लेस पे रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें। इसके बाद ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पर मैं सादा नमक यूज़ कर रही हूँ, मतलब टेबल सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप व्रत में जो भी नमक खाते हैं आप उसका इस्तेमाल कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो हमने अभी सूखे मसाले ऐड किए हैं वो भी अच्छे से पक जाए और इनका आलू के अंदर बढ़िया सा फ्लेवर आए। तो आलू को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली के दाने, मतलब पीनट्स। तो यहाँ पर मैं जो मूंगफली के दाने ऐड कर रही हूँ इनको मैंने पहले से ही अच्छे से भून लिया है, मतलब रोस्ट कर लिया है। इसके बाद इनका छिलका उतार कर इस तरह से दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो इसका बारीक पाउडर भी बना सकते हैं, पर मैं इस तरह से थोड़ा सा दरदरा कूट के ऐड कर रही हूँ। वैसे यहाँ पर आप मूंगफली के दाने की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो मूंगफली के दाने हमने अभी ऐड किए हैं इनको भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए आलू के साथ हम इनको पकाएंगे। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे
बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरे धनिए को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ये जो व्रत वाली आलू की सब्जी है ये पूरी तरह से बनके तैयार है। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।